दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। लोकतक झील उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी और साफ पानी वाली झील है। इसे दुनिया के एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे द्वीप पानी में तैरते हुए पाए जाते हैं। इन द्वीपों को फुमदी के नाम से भी जाना जाता है। ये फुमदी मिट्टी, पेड़ पौधों और जीविक पदार्थों से मिलकर बनते हैं और धरती की तरह ही कठोर होते हैं। इन्होंने झील के काफी बड़े भाग को कवर किया हुआ है। फुमदियों से बनी इस झील को देखना अपने आप में एक अनोखा एहसास है, जो कि पूरी दुनिया में केवल यही अनुभव किया जा सकता है। अगर इनसे भी मन ना भरे तो फुमदी पर बने टूरिस्ट कॉटेज में भी रहा जा सकता है। फुमदी का सबसे बड़ा भाग झील के दक्षिण पूर्व भारत में स्थित है, जो 40 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस सबसे बड़े भाग में दुनिया का सबसे लंबा और एकमात्र तैरता हुआ पार्क भी है, जिसका नाम किबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। इस पार्क में दुर्लभ प्रजाति के हिरण भी पाए जाते हैं, जिन्हें मणिपुरी भाषा में संगई कहा जाता है। लोकतक झील का मणिपुर के आर्थिक विकास में अहम योगदान है। इस झील के पानी का उपयोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, खेती बाड़ी और पीने के पानी के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस झील के आसपास रहने वाले मछुआरों की जीविका भी यही है। स्थानीय भाषा में इन मछुआरों को फुमशोंग्स कहा जाता है। फुमदी का उपयोग स्थानीय लोग मछली पकड़ने, अपनी झोंपड़ी बनाने और अन्य उपयोग के लिए करते हैं। इन मछुआरों की मछली पालने की कला भी बेहद अनोखी है। ये गाँव वाले मछली पालने के लिए फुमदी का एक नकली घेरा बनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीबन 1 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी इस झील पर निर्भर करती है। फुमदियों की बनती बिगड़ती स्थिति और इंसानी गतिविधियों के बढ़ते दबाव के चलते झील मुख्य तौर पर उत्तरी, केंद्रीय और दक्षिण क्षेत्र में बंट चुकी है। उत्तरी क्षेत्र बड़ी फुमदियों के कारण, जिनका आकार 0.4 से 4.5 मीटर है, वह केंद्रीय क्षेत्र से अलग हो गया है। ये फुमदियाँ उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक फैली हुई हैं। जनवरी से मार्च के बीच में इन फुमदियों को जलाया जाता है, जिससे मछली और धान के लिए जगह बनाई जा सके। केंद्रीय भाग झील का मुख्य खुला हुआ भाग है, जहाँ पहले की तुलना में कम फुमदी पाई जाती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में गांव वालों ने मछली पालने के लिए इसमें आर्टिफिशियल फुमदी बना ली है, जिसे वे अथा फूम्स कहते हैं। इसके जैसे आर्टिफिशियल निर्माणों ने झील में बैरियर पैदा कर दिया है। लोकतक झील बायोडायवर्सिटी से भी परिपूर्ण है। इसमें पानी के पौधों की तकरीबन 233 प्रजातियां और पक्षियों की 100 से अधिक प्रजातियां रहती हैं। इसके अलावा यहाँ जानवरों की 425 प्रजातियां भी हैं, जिनमें भारतीय पाइथन, सांभर और दुर्लभ सूची में दर्ज भौंकने वाले हिरण भी हैं। ये झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 39 किलोमीटर दूर स्थित है, जो देश के प्रमुख हिस्सों से सड़क और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। पर्यटन के लिहाज से ये झील एक बेहद अनोखी जगह है, जिसमें पर्यटक अलग अलग आकार के फुमदी की सुंदरता देख सकते हैं। ये नज़ारा दुनिया भर में और कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ ठहरने के लिए इस झील की एक बड़ी फुमदी में सेंड्रा टूरिस्ट होम भी मौजूद है। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट mysteriousnightsindia.blogspot.com पर विजिट भी कर सकते हैं।
आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।